मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा के देवतलाव मनिकवार से है, जहां भारतीय सर्व सेवा संगठन के द्वारा शहीद दीपक सिंह जी की पत्नी को राष्ट्रपति के हाथों वीर चक्र मिलने के बाद रीवा लौटने के बाद किया गया उनका भव्य स्वागत। आज भारतीय सर्व सेवा संगठन के भूतपूर्व सैनिक इकाई के जिला प्रभारी कमलेश्वर सिंह परिहार, बीएसएस के जिला प्रवक्ता रामू सोनी, बीएसएस जिला उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता, संगठन के पदाधिकारी अनिल गुप्ता जी के नेतृत्व में अपने युद्ध कौशल और अदम्य शौर्य से गलवान घाटी में ऑपरेशन स्प्रो लेपर्ड के दौरान चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए शहीद दीपक सिंह जी को माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित होने के पश्चात उनकी पत्नी रेखा जी एवं उनके भाई श्री प्रकाश सिंह और उनके पिता श्री गजेंद्र सिंह जी का मनिकवार पहुँचने पर अपने वीर सैनिकों के सम्मान में युवाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वीर शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें नतमस्तक होकर वीर पुत्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया गया। परिजनों की आत्मीयता की आंखों की नमी से बयां होती रोक नहीं पाई। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.